राजीनामु नवी सरकार बनावानी तैयारी आरंभी। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले पोताना मंत्रिमंडल सहित राज्यपाल ने राजीनामु सौंप्यो। सी आर पाटिल, हर्ष संघवी, ऋषिकेश पटेल सहित नेताओं साथे रहा हाजर। 8 डिसेम्बर 2022 नो दिवस गुजरात राजकारण इतिहास में अंकित थी गयो। आ ए दिवस है जयरे गुजरात विधानसभा में क्यारे न जोवाया होय तेवा समीकरणों रचाया है। भाजपे 150 थी वधु बैठकों मेळवीने सौथी वधु बैठकों जीतवानो रेकॉर्ड तो सर्जियो ज छे। साथे ज भाजप हवे एक राज्य में सौथी वधु समय सुधी शासन करनारो पक्ष बन्यो छे। तरी घाटलोडियाथी ऐतिहासिक लेड़थी जीतनार भूपेन्द्र पटेले राज्यपाल ने मळीने राजीनामु सौंप्यु छे। आ प्रसंगे सी आर पाटिल, हर्ष संघवी, ऋषिकेश पटेल सहित नेताओं हाजर रहा था। भाजप अध्यक्ष सी आर पाटिल नवी सरकार बनावा दावो रजू करशे। कार्यवाहक मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल नी आगेवानी मां सरकार बनावाशे। मुख्यमंत्री अने तेमनी कैबिनेट राजीनामु सौंप्यु छे। नवी सरकार ना शपथविधि माटे राजीनामु सौंपवू जरूरी होय छे। गुजरात विधानसभा नो कार्यकाळ जान्युआरी महीना सुधी होवाथी राजीनामु आपवू पड़े छे। मुद्दत बाकी होवाथी विधानसभानुं विसर्जन करवू जरूरी छे। 12 ડિસેમ્બરે શપથવિધિ થાય તે પહેલાં રાજીનામુ આપવાનું હોય છે, જેના બાદ શપથવિધિ સમારોહ યોજાશે। આવતીકાલે કેન્દ્રીય નિરીક્ષકોની હાજરીમાં ભાજપની બેઠક મળશે। પ્રદેશ કાર્યાલય કમલમ પર સવારે 10 કલાકે બેઠકનું આયોજન કરાયું છે, જેમાં ભાજપના તમામ ચૂંટાયેલા 156 પ્રતિનિધિઓ હાજર રહેશે। વિધાનસભા દળના નવા નેતાની પસંદગી થશે। भाजप अध्यक्ष सी आर पाटिल सहित देश आगेवानों आ बैठक में हाजर रहेशे। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल राज्यपाल ने राजीनामु सौंप्यु छे, त्यारे 12 ડિસેમ્બર ना रोज सोमवारे शपथविधि समारोह योजाशे।